हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो है एक मोबाइल होल्डर। सो बेसिकली ये हम लोग माउंट करेंगे अपना जो एसी का जो होता है वहाँ पे। तो गाइस, हमने ये मंगाया है अमेजोन से, तो जैसे आप देख सकते हो, और इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या मिलता है, क्योंकि मैंने ये खोला तो नहीं। अभी हम चेक करते एक बार, ये कभी कभी मैं पहले चेक कर लेता हूँ, तो ये वाला चेक नहीं किया मैंने। तो इसका ये कुछ बिल वगैरह है, तो अब बिल आप देख सकते हो ये कितने का पड़ा। सो ये हमें पड़ा 349 का, बस ये बिल है इसका। ये देखते हैं अंदर क्या है, ये हुआ निकल रहा है। ओह आई थिंक इन्होंने, और इसके अंदर कुछ नहीं, खाली इसको रखते साइड में। तो ऐसा है कुछ, ये आई थिंक ये ग्रे कलर का मैंने मंगाया है, ये क्लैम्प एक्स प्रोट्रॉनिक्स का है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ब्रांड नेम प्रोट्रॉनिक्स है, मॉडल आईडी है क्लैम्प एक्स POR1101, जेनेरिक नेम है मोबाइल होल्डर। सो आप बेसिकली इसमें मोबाइल होल्डर कर सकते हो और मोबाइल होल्ड कर सकते हो, और ये जो मोबाइल होल्डर है काफ़ी सही है, क्योंकि लाइक इसमें दो तीन ऑप्शन थे मैंने वीडियोस में देखे थे, तो काफ़ी मतलब सही है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। अब तो देखते हैं अभी अंदर का क्या क्या है। तो कभी कभी डिस्काउंट वगैरह भी चलता है, बाकी ये सब है सपोर्ट वगैरह का। और यहाँ पे ये इसका ये फ्रंट लुक है, और साइड में देख सकते हो आप, साइड में देख सकते हो इधर है एडजस्टेबल साइड ग्रिप सपोर्ट आर्म्स, जो ये कुछ ऐसा है। 360 डिग्री रोटेटेबल है, ये काफ़ी सही है। वन क्लिक रिलीज बटन, देन ये सब आप पढ़ सकते हो। फिर ये टेक्नोलॉजी वन क्लिक, वे देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें, ठीक है। और बाकी और कुछ नहीं है, ब्रांड का लोगो है बस। आई थिंक ये कुछ MI का लग रहा है देखने में। चलो खैर, अभी खोलते हैं। आई थिंक इन्होंने फ्रेश पीस ही भेजा हो, इनकी यूज़ किया हुआ दे दिया, कभी कभी होता है ऐसा। तो अच्छा, ये एक मिलता है हमें, उसके बाद ये हमें मिलता है जहाँ पर हम होल्ड करेंगे। मतलब एक्चुअली ना इसका, एक्चुअली हमने पहले भी मंगाया था, बट उनके क्वालिटीज काफ़ी ख़राब होते हैं। जैसे नीरो प्लेस में मिलता है ना कि 100 का, आई थिंक अभी 100-120 का मिलता होगा। उनका जो वैक्यूम जो होता है, एक होता है वैक्यूम वाला होता है ना, वैक्यूम वाला होता है, वो आपका मिरर में नहीं, वो कांच में चिपक जाता है, ग्लास में जो है, ग्लास में चिपक जाता है, तो वो कभी कभी गिर जाता है अगर ज़्यादा वो होता है। बट इसमें ऐसा है कि वैक्यूम का ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका लग जाएगा उसमें। एसी का जो ब्लोअर है उसमें ये लग जाएगा। सो उससे क्या होगा कि भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें दो लॉक है, मैं बताऊंगा सब आपको, तो इसलिए हमने इसको मंगाया, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, और क्या ये यस, अच्छा रजिस्टर करने के लिए है। सो वारंटी कार्ड कुछ है आप, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर जाएगा ये, और इसमें दो लॉक का सिस्टम है, एक ये और एक ये। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस तरफ करूँगा, तो अगर मैं इस तरफ करूँगा तो इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक गैप दिख रहा होगा, हाँ ये ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरफ करूँगा तो ये हो जाएगा टाइट, मतलब गैप दिखेगा ही नहीं आपको। सो बेसिकली क्या है, इसमें दो लॉक सिस्टम है। अगर ऐसे लग रहा है कि फ़ोन गिर सकता है आपका, तो आप इसमें टाइट कर सकते हो। अगर लाइक लग रहा है कि नहीं हमारा फ़ोन गिरेगा नहीं, तो आप लूज भी इसको ऐसे करके रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। और उसको खोलने के लिए ऐसे कर दो, तो मैंने आपको पहले दिखा दिया ये। अभी हम इसमें और कुछ नहीं है, अभी हम मेन इंजीनियरिटी देखते हैं इसका। तो ऐसा लग रहा है कि ये दो हाथ है और दो पैर है। सो ये हमें यहाँ पे मिल जाता है प्रोटोनिक्स का ब्रांडिंग यहाँ पे। और मैंने अभी इसको मतलब हाथ पे लिया ना, काफ़ी सही लग रहा है। मतलब ये यहाँ पे देखो, ये एक तो ये रबड़ का जो है ग्रिप हमें यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी है साइड में और इस तरफ भी है। सो ये काफ़ी सही है, ठीक है। ये होल्डर कैसे लगाते वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी हम देख लेते हैं, अगर अच्छा इसको ऐसे खींचने से नहीं, ओके ये बटन जो है इसको दबाने से ये खुल जाता है, ऐसे दो पंख निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। सो अभी इसको बंद कर, अच्छा बंद करने के लिए हमें ऐसे बंद कर देना है, काफ़ी सही है। खोलने के लिए ये देखो, ये बटन, ये मैं बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। ये किया, ऐसे खुल गया, फिर से दिखाता हूँ।
तो ये है, तो काफी सही लगा मुझे चीज। हाँ, और फोन का भी रख सकते, फोन मैं होल्ड करके दिखाऊंगा। सो मेरे पास एक फोन है सैमसंग का M30, इसको हम देखते हैं ये कैसा आता है इसमें। सो ऐसा तो आएगा नहीं, हम इसमें बटन दबाएंगे। ऐसा लग रहा है ऑटोमेटिक कुछ बैटरी लगा हुआ है, बट ऐसा कुछ बैटरी वगैरह नहीं लगा हुआ, ये इसमें स्प्रिंग का है कुछ तो वो काम करता है। ऐसे लगाया हमने और इसको हमने ऐसे कर दिया बस, और फिर ये फ़ोन आपका ऐसे आ जाएगा। खोलने के लिए ये बटन दबाया, खुल गया, निकालो। इसमें आप टैबलेट भी लगा सकते हो ऐसा, जो अगर बड़ा है तो इतना है इसका। बाकी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप अगर अमेजोन के साइट पे जाओगे जो लिंक दिया मैंने उसमें जब जाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा सारे डिटेल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देख लिए, हम इसको कार पे भी देखेंगे। ठीक है, कैसा ये होल्ड कर पा रहा है। अभी हम इस चीज़ को लगाते हैं, ये वाला जो चीज़ है, तो इसको लगाने के लिए हमें शायद ये खोलना पड़ेगा। मैं पहले बार ही लगा रहा हूँ इसको, तो मुझे भी देखना पड़ेगा। खोल लेते इसको, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये जो चीज़ है हमें पहले इसको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये मैंने निकाला यहाँ से, इसको मैंने यहाँ पे डाला, ऐसे डाला। ठीक है, फिर हमें इसको ऐसे करके ऐसे लॉक कर देना है। अच्छा, इसमें जो ये है कि आपको इसको डाल के तो टाइट से आपको लगाना है, ऐसे ऐसे ये आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये डाल दिया, अभी टाइट नहीं किया मैंने, ये ऐसे डाला हुआ है। ठीक है, ऐसे डाल के इसको सीधा रखना है, ऐसे ऐसे सीधा रखो, फिर इसको यहाँ से टाइट कर दो। पहले इसको बंद कर देता हूँ। हो गया, ये टाइट हो गया। तो ऐसा कुछ होल्डर आ जाएगा, ये ऐसे लगाया तो ये आपका। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये थोड़ा सा ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ चाहिए, ऐसा किया, फिर इसको यहाँ से टाइट कर दिया। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, जैसे आपको चाहिए वैसे कर सकते हो। तो एक बार दिखाता हूँ कि इसका रोटेट कितना होता है। ये तो ऐसा कुछ ये रोटेट हो जाएगा आपका, 360 आई थिंक लिखा हुआ था इसमें, तो ऐसा करके आप रोटेट कर सकते हो। इसमें हम अभी फ़ोन रखते कुछ ऐसे, पहले मैं ये ऑटोमेटिक करता हूँ, मज़ा आ गया, ये तो अलग ही। ठीक है, और इसको हम यहाँ से लॉक करते हैं। तो इसमें यह है कि आपको चार्जिंग का कोई दिक्कत नहीं है, आप चार्ज आराम से दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्पेस दिया हुआ है, अगर ये ढका हुआ तो आप चार्ज नहीं दे सकते। तो उन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया जिससे कि आप इसमें चार्ज कर पाओ। तो यहाँ पे है, और हमने एक वीडियो बनाया है कार चार्जर का, जो कि काफ़ी लाइक अच्छा है कार चार्जर, वो MKT का है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अभी हम लोग चलते हैं टेस्ट करने गाड़ी पे। उसके पहले हम देखेंगे कि इसमें हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसा होल्ड कर पाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको एक बार निकाल लेता हूँ फ़ोन को यहाँ से, कैसे लॉक करता हूँ। तो इसमें दो मोड है, एक तो ये वाला दिखाता है, एक ये वाला। तो पहले हम नॉर्मल मोड में देखते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसमें ऐसा करके दिखा रहा हूँ, बाद में हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसको लगाया इसमें। ठीक है, अभी लूज़ है। ठीक है, दिख रहा ना, और ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये नॉर्मल मोड है। ठीक है, इस तरफ रहेंगे तो हाई वाला आ जाएगा, हाई तो नहीं मतलब अच्छा ग्रिप देगा। सो अभी मैंने इसको लगाया, तो अभी ये खींच रहा है, निकल ही नहीं रहा। ठीक है, इतना टाइट हो गया। सो अभी हम लोग करते दूसरा वाला जो है, इसमें अच्छा ग्रिप मिल जाएगा हमें। मतलब काफ़ी टाइट है, मतलब ये तो काफ़ी पतला काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो, तो उसमें भी आराम से ये आपका होल्ड कर लेगा ये जो होल्डर है। ठीक है, और सो अभी हम इसका टेस्ट करेंगे इस AC के यहाँ पे। सो अभी ये जो है, मैंने जो देखा यहाँ पे, ये काफ़ी मोटा है, सो हम लोग इसमें फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। अगर आप देख पा रहे हो इधर से, फर्स्ट और सेकेंड इसमें लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो फर्स्ट कर सकते हो या सेकेंड कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल फर्स्ट करूँगा, तो हम इसको इस तरफ डालेंगे, मतलब राइट की तरफ ऐसे। तो मैं ये डालता हूँ कुछ ऐसे, ये डाला मैं, और ये मैं यहाँ से इसको लॉक कर दूँगा ऐसे। तो ये अभी ये सही से लॉक हो गया, अगर आप ऐसे करोगे तो ये तो फिर यहाँ से टच हो रहा है, तो कोई नहीं, तो ऐसे करके आप इसको लगा दोगे। ठीक है, तो ये निकलेगा नहीं, काफ़ी टाइट है। सो अभी हम लोग रेडमी नोटेड फ़ोन रख के देखते हैं कैसे ये होल्ड कर पाता है। जैसे कुछ खोल लेंगे, बटन है पीछे, और ये यहाँ पर रखा मैंने, इसको कर देंगे लॉक। तो ऐसा करके आप इसको रख सकते हो, और चाहे तो आप चार्ज भी कर सकते हो। ये जो है चार्जर, मैं अभी इसमें डालता हूँ ये, तो सही चार्ज हो रहा है। और ये वाला जो चार्जर है मेरे पास, ये है MKT का, जो मैंने बताया था आपको। तो इस MKT चार्जर में क्या है कि क्विक चार्ज होता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा चार्जर है, मैंने करके देखा है दो फोन को,
तो मैं इसमें लगाता हूँ एक, तो इसमें हो रहा है 81 हो गया, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ 100। तो दोनों में क्विक चार्ज हो रहा है जैसे आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है अगर आपको कहीं ट्रैवल वगैरह करना है और चार्ज फास्ट चाहिए तो आप MKT का चार्जर ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया। बस इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।